कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाए और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। नीमच, मध्य प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार तला हुआ था। मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद पहली बार संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग मंदसौर से नीमच जाते हुए हर किया खाल बालाजी पहुंचे। वहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन की, पूजा अर्चना की व भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद नीमच के लिए रवाना हुए। नीमच से न्यूज प्लस 24 ब्यूरो रिपोर्ट। रंग बली के चरण में नमन करते हुए गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और हनुमान जी का नाम ही चमत्कार है। जो नाम लेता है तो अपना भी चमत्कार, जो दिल से हाथ करता है ऐसे चमत्कार हो जाता है। और मेरी जिंदगी में अगर कोई गोटा घुमा तो बजरंग बली का ही घुमा और ऐसे गुरुदेव द्वारा ही घुमा। तो मैं वर्तमान में क्या बोलूँ, इस स्थान के लिए जितना कम उतना कम है। बहुत एक चमत्कारी स्थान जहाँ पर अच्छे अच्छे, यहाँ पर दूर दूर के पूरे हिंदुस्तान के यहाँ पर दुख लेके आते हैं और दुख हटने वाले यहाँ पर हनुमान जी बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, उनके यहाँ पर सभी दुख हटते हैं। मैं ऐसे स्थान को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ कि पूरे क्षेत्र में हनुमान जी का, गुरुदेव जी का पूरा आशीर्वाद बना रहे और ये क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और हमें आज हमें गर्व है कि आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और वो लगातार विकास के रास्ते में जा रहा है और आगे सब खुश रहें, किसान खुद तरक्की करें, व्यापारियों का अच्छा काम धंधा चले, माता बहनें अपने स्वस्थ रहे, बच्चे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ये आज प्रार्थना करने यहाँ पर आए पूरे बजरंगबली की।